हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टैली प्राइम में हम लोग पेरोल पढ़ रहे हैं और पेरोल पढ़ते वक्त ही दिक्कत आई थी। ये कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में सवाल पूछा गया था मिस्टर राम सर से। तो राम सर इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं और कॉमर्स में इन्होंने एमकॉम किया है और आते हैं, उनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उन्होंने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में पूछा था, हालांकि पहले भी बता चुका हूं, लेकिन चलिए आज के इस वीडियो में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की बात करते हैं। तो यहां से चार्ट ऑफ अकाउंट पर जाने के लिए एच प्रेस कर देता हूं। यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पे आपको सो इनएक्टिव दिखेगा। हालांकि यहां पर देख सकते हैं अभी हमें कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो यहां पे सो इनएक्टिव पे क्लिक करिए, आपको यहां पे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर दोनों दिखाई पड़ेगा, लेकिन अभी ये चालू नहीं है, ये हाईलाइट नहीं है। जैसे ये ग्रुप दिख रहा है, लेजर्स दिख रहा है, ये स्टॉक ग्रुप दिख रहा है, वैसे ये हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट ना होने के पीछे कारण ये है कि हमने कॉस्ट सेंटर ऑप्शन चालू ही नहीं किया। तो चालू कैसे करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और यहां से Y प्रेस कर दीजिए और यहां पर कंट्रोल A प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही कंट्रोल A प्रेस करेंगे ये एक्सेप्ट हो जाएगा और फिर हम चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर आते हैं तो वो चीजें हमें इनेबल मिलेंगी, लाइक कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। तो चलिए सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी बना लेते हैं, क्लिक करता हूं इस पे। अब बनाएंगे कैसे कॉस्ट कैटेगरी, तो हमें चलना पड़ेगा इसके लिए क्रिएट पर। तो यहां से क्रिएट पर आ जाते हैं और क्रिएट पर आने के बाद यहां पर देखिए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी दोनों चीजें दिखेंगी। अगर नहीं दिख रहा है तो यहां शो मोर पे क्लिक कीजिएगा तो दिखने लगेगा। यहां पे देखिए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी, नीचे कॉस्ट सेंटर क्लास भी दिया हुआ है, लेकिन अभी कॉस्ट सेंटर कैटेगरी की बात करते हैं। यहां से क्रिएट न्यू पे चले जाते हैं और सबसे पहले हम यहां बना लेते हैं सैलरी की कैटेगरी बना लेते हैं। तो ये सैलरी कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और ये नॉन रेवेन्यू आइटम दे रहा है तो यहां पर इसको छोड़ देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। ये हमने एक कैटेगरी बना ली सैलरी की। अब बनाते हैं कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर में आ गए। अब यहाँ पे कैटेगरी हमारी क्या थी, सैलरी थी, तो सैलरी दे दिया हमने यहाँ पे। यहाँ पर आएंगे नाम दे दीजिए, तो लाइक मान लीजिए राम सर हैं तो इनकी सैलरी जाएगी, तो ये पहले इंप्लॉई हो गए। ठीक है, और इसे प्राइमरी में ही डाल देते हैं। और यहाँ पे दूसरा है जो आदमी, उसका नाम है श्याम, इनको भी सैलरी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने श्याम कर दिया। तीसरा आदमी है सूरज, तो इनको भी सैलरी जाएगी, तो यहाँ पे सूरज कर दिया हमने। और यहाँ पर एक और कर देता हूं मैं, लाइक यहाँ पे कर देता हूँ नीतू, इनको भी सैलरी जाएगी, तो ये हमने कर दिया इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, एंट्री पास करनी है। तो एंट्री पास करने के लिए हम वाउचर में जाते हैं और आपको F5 बटन प्रेस करके पेमेंट वाउचर में आ जाना है। आ गए, अब यहाँ पे क्या करना है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर सैलरी पेमेंट हो रहा है, जुलाई का सैलरी अगस्त में 1 अगस्त को पेमेंट हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपने कोई बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना है तो बैंक अकाउंट का लेजर आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्रिएट पे जा करके यहाँ बैंक का नाम लिखिएगा, लाइक अगर आप SBI डालना चाहते हो तो यहाँ SBI डाल करके यहाँ बैंक अकाउंट आएगा और ये नेम वगैरह सब फिल करके बैंक अकाउंट नंबर डाल करके ओके करिएगा, मतलब कि एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। मैंने PNB बना रखा है, मैं PNB ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर मैंने कैश किया है। अगर आपके बैंक खाते में पैसे हो तो आप वो बैंक खाता भी लगा सकते हैं, लाइक यहाँ पे अगर आपके पास SBI में पैसे हो या किसी अदर बैंक में पैसे हो तो आप उस बैंक खाते का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं SBI करता हूँ तो देख लेता हूँ SBI में मेरे पास पैसा अभी है, तो हम SBI से ही पेमेंट करते हैं इन लोगों को सैलरी। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर एक सैलरी का लेजर बनाना होगा आपको। तो यहां लिखता हूं सैलरी, ठीक है, और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, तो यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसे डाल देंगे और इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल करके एंटर प्रेस करके और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हो गया सैलरी, कितनी सैलरी पेड हो रही है। तो मान लीजिए कि इन सारे लोगों को मिला करके 1 लाख रुपया सैलरी पेमेंट हो रहा है सबको मिला करके। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपको कॉस्ट कैटेगरी का नाम देना है। तो कॉस्ट कैटेगरी सैलरी बनाई थी हमने, सैलरी ले लीजिए और अब उन लोगों का नाम लिखते जाइए। लाइक सबसे पहले था राम, तो राम सर को सैलरी दे दिया जाए, तो यहाँ पे 1 लाख कुल आ जा रहा है, लेकिन 1 लाख सब इनको नहीं देना है। ठीक है, इनकी सैलरी हम लोग रखेंगे 30,000 रुपया। ठीक है, ये 30,000 रुपया रख दिया हमने। फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे श्याम, तो श्याम को भी सैलरी देनी है, तो यहाँ पे श्याम पे आ जाते हैं और श्याम को 70,000 नहीं देंगे, यहाँ पे हम देंगे 20,000 रुपये। ठीक है, ये दे दिया हमने। और यहाँ पर फिर आते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए सूरज आ रहा है, तो यहाँ पे सूरज को भी दे देते हैं 30,000 रुपये। ठीक है, तो ये 30,000 रुपये हमने दे दिया। अब 80,000 हो गया, अब बाकी बचा नीतू, तो यहाँ नीतू आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ इनको 20,000 दे दीजिए, काम आपका खत्म हुआ। इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये सिंगल एंट्री मोड में भी आपने ये एंट्री पास कर ली है, आप देख सकते हैं।
कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं अगर नहीं एक्सेप्ट होता हो तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि चेक से देना है किससे देना, तो बैंक खाते से तो हम दे ही रहे हैं, एंटर प्रेस करता हूँ और इसे एक्सेप्ट करा लेता हूँ। तो इस तरीके से कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का प्रयोग आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी। अगर आपको ये एंट्री देखनी हो तो यहाँ दो बार डी प्रेस करें, डिस्प्ले में चले जाएं और फिर डे बुक में आ जाएं और यहाँ कैश, यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं, ये बना हुआ है सैलरी, तो यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाइए और देख लीजिए। इसको प्रिंट करना है, अल्ट साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और फिर एक बार और एंटर प्रेस कर देंगे, आई बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से डिटेल निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पे कुल मिला के 1,00,000 रुपए सैलरी पेमेंट हुई है। अब आप चाहते हैं कि नाम प्रिंट करना तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से नाम प्रिंट किया जाता है, आसान है ठीक है। तो अगले वीडियो में इसको बताता हूँ कि नाम कैसे इस पर प्रिंट होकर आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।